नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? हरमिंदर कौर अलूवालिया। कहाँ से आए जी आप? पूना से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े हैं आप? संत रामपाल जी महाराज से 2003 में जुड़े हैं। लगभग 16-17 साल आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हो गए हैं। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे? जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग गुरुद्वारे जाते थे, और शादी के बाद फिर गुरुद्वारे में भी जाते थे और मंदिर में भी जाया करते थे। देवी देवताओं की पूजा करते थे और गुरुद्वारे जाते थे। व्रत वगैरह भी करते थे? हाँ जी, व्रत भी रखे हैं। आप एक बात बताइए, साधना आप कर रहे थे, भक्ति आप कर रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? मेरे हस्बैंड के को एक समय ऐसे आया था कि मेरे हस्बैंड का काम में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उनका जो पार्टनर था वो उनको धोखा दे के कंपनी से निकल गया था, तो उस समय इनके एक मित्र जो थे वो संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है, वो उनको मिले, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया, और इन्होंने फिर वो उसी समय उधर टिकट करा के 2 दिन के बाद चले गए थे। नहीं, आपके जो हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके पति को बताया, ऐसी कौन सी बातें उन्होंने आपके पति को बताई उनके दोस्त ने कि उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मेरे पति हस्बैंड एक बार उनके यहाँ गए थे तो उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर बहुत बैंक का भी कर्जा चढ़ गया है, घर भी बैंक वालों ने अपने पास घर के भी पेपर रख लिए हैं, तो अभी कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है, क्या करूं, कहीं भी मंदिरों में जाना सब करना सब देख लिया, तो उन्होंने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास आश्रम में एक बार जाके देखिए, आपके सब प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड 2 दिन के बाद ही ट्रेन में संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले गए। वहाँ जाके उन्होंने सब आश्रम में जाके जब भी गुरु जी से मिले, नाम दीक्षा ली, तो उन्होंने उनको सब चीज़ों का ज्ञान हो गया कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो सब गलत थी, और जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति ही सब पूर्ण भक्ति थी। तो उसके बाद वो नाम दीक्षा लेके वापस जब घर में आए, तो उसके बाद ही धीरे धीरे करके इनको वापस बैंक वालों ने पेपर दे दिए, घर के और कंपनी के, और उसके बाद सब ठीक होता गया। इनको बाहर जाके ऑर्डर भी नहीं लेने पड़े, कंपनी में बैठे बैठे ही ऑर्डर आने लग पड़े। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, आर्थिक समस्या भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, आपने बताया कि फैक्ट्री के और घर के कागजात आपने रख दिए थे बैंक वालों के पास में, और उसके बाद अचानक से आपकी जो आर्थिक समस्या है वो ठीक होने लग जाती है, तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये जो सब लाभ आपको मिल रहे थे वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मिल रहे थे? हमने सब जगह मंदिरों में गुरुद्वारे में सब जगह जाके सब पूजा व्रत सब करके देख लिया था, लेकिन कहीं भी हमें पहले लाभ नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे हस्बैंड ने नाम लिया, उनका सब काम ठीक होने लगा, और तुरंत ही वो सब चीज़ों का हमें फ़ायदा हुआ। ये तो रही आपके हस्बैंड की बात, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? आपके पति के कहने से नाम दीक्षा ली, या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने या उनके बारे में जाना पहले? मेरे पति जब नामदान लेके आए थे तो हमने सत्संग सुने उनसे, तो सत्संग सुनने के बाद ही हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने, मैंने और मेरी सांस है जो, वो उन्होंने सबने हमने बोला कि हमने भी नामदान लेना है संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जनवरी में 2003 में पूना आए थे, तो वहीं पे हमें नामदान
संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक जो कष्ट होते हैं, आर्थिक लाभ सब कुछ होता है। आर्थिक लाभ के बारे में आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई शारीरिक लाभ भी मिला? हाँ जी, शारीरिक लाभ बहुत मिले हैं मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने से पहले अस्थमा के अटैक आते थे, अस्थमा के इतने जबरदस्त अटैक होते थे कि मुझे बहुत सांस की आवाज़ दूर दूर तक आती थी, उसकी आवाज़ तीसरे कमरे में जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब नामदान लिया तभी उसके बाद मेरा अस्थमा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और इसके अलावा? इसके अलावा नामदान लेने के 3 महीने बाद मुझे पेट में एक बार बहुत ज़ोर से दर्द उठा। मुझे डॉक्टर के पास जांगी हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिए, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। चार दिनों तक उन्होंने दवाई वगैरह की, एडमिट रखा, उसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में एक पेट के अंदर एक गांठ बताई थी डॉक्टर ने, और बोल रहे थे ये 100% कैंसर है। डॉक्टर ने जब भी मेरे हस्बैंड को बताया कि आपके पत्नी को कैंसर है, तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बोला अब क्या करें, क्योंकि उनको बच्चे भी छोटे छोटे थे तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा। फिर उन्होंने बोला कि चलो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाएं, उनसे बात करके पता करें कि कैसे सब ठीक होगा। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई, प्रार्थना लगाने के बाद उनको गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि परमात्मा सब ठीक करेंगे, परमात्मा दया करेंगे, अब भक्ति करो। उसके बाद फिर जब भी वापस से लीवर से पानी लिया डॉक्टर ने और टेस्ट के लिए भेजा, तो उस दिन पूरी रिपोर्ट ठीक आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही मेरा कैंसर ठीक हो गया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मेरे दोनों बेटों को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसका नाम नागिन बोलते हैं, तो वो दोनों को हो गया था, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला परमात्मा सब ठीक करेंगे, और उसके बाद उनके वहीं पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नागिन वहीं पे रुक गई। परमात्मा की दया से दोनों बहुएँ मेरी बेटियां बन के घर में आई हैं, तो वो मेरा बहुत, वो हमारे घर में जैसे परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया था कि आपका घर मिनी सतलोक परमात्मा ने बना दिया है, तो वैसे ही आज मिनी सतलोक घर में बना हुआ है। और क्या लाभ मिले आपको? मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, मुझे इतनी घबराहट हो जाती थी कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी, इससे मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ले जाते थे। उधर डॉक्टर मुझे 4-5 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट करके रखते थे ऑक्सीजन लगा के, तो उन्हें भी बीमारी का कुछ पता नहीं चलता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला जो कर्म है, खराब कर्म है, वो कट जाएंगे, धीरे धीरे मेरा ये प्रॉब्लम पूरा परमात्मा ने ठीक कर दिया। एक समय ऐसा था कि हमारे घर में खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे, और हम ऐसे कि सड़क पे आ गए थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल सड़क के ऊपर आ गए थे। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद सब ठीक होता गया। 2-2 फैक्ट्रियाँ बन गई हैं अभी, और 2-2 गाड़ियाँ हैं परमात्मा की दया से, अभी खुद का मकान भी बन गया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमें धन नहीं सिर्फ भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज जी में उतना ही विश्वास दृढ़ है जितना आज से 16 साल पहले था? हाँ जी, उससे भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास हो गया है संत रामपाल जी महाराज जी पर। जी, ये तो रही शारीरिक लाभ की बात, आर्थिक लाभ आपने पहले ही बता दिया था कि संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली
आपको काफ़ी सारे लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान है। संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक समाज में योगदान बहुत बड़ा रहा है। वो बेटियों की जो शादी है उनके लिए माँ बाप को अभी चिंता कोई करने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे दोनों बेटों की शादी वो बिना दहेज के एक भी पैसा लिए बगैर अच्छे से हो गई है। देखो ऐसा है ना, बगैर दहेज के बहुत सारी शादियाँ हो जाती है, लेकिन बेटियों के साथ बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर परिवार वाले दहेज मांगने लग जाते हैं और फिर वही परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेके आश्वस्त नहीं हैं, उनका मानना है कि बाद में बेटियों के साथ समस्या होती है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आपके जो बच्चों की शादी हुई है उनकी शादी को कितना साल हो गया है? बड़ी वाली जो बहू है उसको 10 साल हो गए हैं और छोटी वाली को 5 साल हो गए। तो अभी तक आपके जो बच्चों की शादियाँ हुई हैं आपने किसी भी तरह की दहेज की मांग नहीं की है? नहीं, उनसे एक भी पैसा दहेज में नहीं लिया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आप लोगों को? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो प्रेरणा मिली है, क्योंकि उन्होंने जो दहेज प्रथा को ख़त्म करने का जो प्रयास किया है उनको देखकर हमें ये प्रेरणा मिली है उनसे कि दहेज लेना बहुत गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा जो छुड़ाया है उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में मैंने देखा था कि मेरे पिताजी भी ड्रिंक करते थे, तो मैं हमेशा से वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो होगा तो वो ड्रिंक कभी नहीं करने वाला चाहिए मुझे। हमेशा वही मैं भगवान से प्रार्थना करती थी और मुझे जो मेरे हस्बैंड मिले वो शुरू से ही ड्रिंक नहीं करते थे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर आप उनका ज्ञान समझें और परमात्मा की शरण में आएं। जी धन्यवाद। सच से।